भाई तो स्वागत करता हूँ आपका बनारस में एक नई वीडियो के साथ। तो देखते फिर आगे कौन सी जगह हमें दिखाने को जाते हैं, फिर उस हिसाब से मैं आपको फिर मिलता हूँ बाद में। सबसे पहले आप सभी को होटल का एक टूर दे देता हूँ। तो देखिए आप, एक होटल है, एक धर्मशाला है, नॉर्मली जैसे होटल होते हैं वैसे ही है। जो फोटोज में दिखाई थी वो होटल है बुद्धगया में। ये होटल प्लस हॉस्टल है, ये होटल प्लस हॉस्टल है, मतलब होटल भी बोल सकती है इसको, हॉस्टल भी बोल सकती है इसको। हॉस्टल बोलने में ज़्यादा ठीक रहेगा आपको। अभी नीचे जाकर दिखाता हूँ कि इधर हॉस्टल कैसा है। धर्मशाला टाइप हॉस्टल है, मतलब थोड़ा बुद्धिस्ट टाइप हॉस्टल है। तो आपको सभी को दिखाता हूँ नीचे जाकर, सब डेकोरेशन कितना अच्छा डेकोरेशन है आप सभी को दिखाता हूँ बाद में। ये है जो मैंने बोला था आपको बुद्ध विहार, ये है, ये सब हॉस्टल का अंदर ही है। ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो ये पाली भाषा में लिखा हुआ है, जो कि बौद्धिस्ट धर्म में सबसे पुरानी लैंग्वेज है। यहाँ पर सब किताबें है, कुछ ग्रंथ है, कुछ मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों की फोटोस है, काफ़ी अच्छा है। बार हम गए थे म्यूजियम में, अभी हम आए गौतम बुद्ध जी की मूर्ति देखने। जो गंगा घाट वाला प्लान है वो पोस्टपोन हुआ है, कल हम जाएंगे गंगा घाट देखने। तो यही है वो मूर्ति जिस आप मेरे पीछे देख रहे हो। देखिए भाई साहब क्या सुंदर मूर्ति है। बाबा माय स्तूप पे, ये जो आप पीछे देख रहे हैं स्तूप पे फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। सब अभी हम जा रहे हैं मूर्ति लाने के लिए, चलो आपको दिखाते हैं। तो कैसे
सब आज होता है अपना डे एंड। तो आज हमने चार चीज़ें देखी। पहले तो जो बुद्धिस्टम पार्क था वो देखा, और म्यूजियम देखा, और तीन नंबर पे हमने जो क्या बोलते उसको स्तंभ देखा, और चार नंबर पे हमने देखा जो अभी श्रीलंकन विहार देखा। तो बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद हो गया। उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो वाइब था, बहुत अच्छा था। तो आज का वीडियो ख़त्म होता है।